दुनिया में एक दिन में लगभग करोड़ों अकाउंट और करोड़ों चैनल्स YouTube पर खुलते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया के अंदर ही लगभग लाखों लोग एक दिन में YouTube पर अपना चैनल्स खोलते हैं और लाखों लोग एक ही दिन में चैनल्स बंद भी करते हैं। इसी बीच जो नए यूट्यूबर्स आते हैं उनके मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। मुझसे भी कई सारे लोगों ने इसके रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस पूछे, लोगों ने कमेंट किए, मेल किए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी किया कि आप कैसे वीडियोज़ बनाते हैं, कैसे आप एडिट करते हैं और किस तरह से, मतलब इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है। लोगों के मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है इस बीच वो यह होता है कि यूट्यूब चैनल खोलने से पहले क्या उन्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें हज़ारों का इन्वेस्टमेंट करना पड़े और उसके बाद वो यूट्यूब चैनल खोल लें फिर भी उन्हें कोई फ़ायदा ना हो। तो इस वीडियो में मैं उन सारे प्रश्न का आंसर दूंगा। मैं बताऊंगा कि मैं खुद कितना इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूं, मैं कैसे शूट करता हूं। लोगों ने मुझसे पूछा कि आप शूट कैसे करते हैं बताइए, तो मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा आप लोगों को बड़ा हेल्पफुल होगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरा कमरा है। इस कमरे में आप अगर लेफ्ट में देखेंगे तो मेरा बेड है। यहाँ पर एक मैंने वाटर कैन रखा है चेयर के ऊपर और उस चेयर के ऊपर एक कैप रखा है जो आप देख सकते हैं और उस कैप के ऊपर एक मोबाइल रखा है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये मोबाइल है और मोबाइल के सामने ही एक चेयर रखी है जहाँ पर मैं बैठता हूँ और ये वाइट बैकग्राउंड इसी से आता है और यहाँ पे मेरा लैपटॉप रहता है। वहाँ पीछे मेरा पर्सनल यूज़ का सामान है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। वहाँ पे मेरी एक बुक है जो मैं कभी कभी फ्री होता हूँ तो पढ़ता हूँ और भी मेरी बुक्स हैं जो उस अलमीरा के अंदर रख रखी हैं मैंने। तो ये मेरा रूम है। तो आप देखेंगे तो मैं यहाँ बैठकर और ऐसे इस तरह से शूट करता हूँ यहाँ पे बैठ। जैसा मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास सिर्फ एक कमरा है, उसी कमरे में मेरा एक पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पे एक वॉशरूम है, यहाँ पे मेरा एक बेड पड़ा है, ये मेरा लैपटॉप रखा है, ये टेबल है और सामने मेरे मोबाइल है जो कि एक वाटर कैन के ऊपर कैप से एडजस्ट करके मैंने रखा है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप देख रहे होंगे तो इस समय मेरे कॉलर में एक माइक है। इस माइक को मैंने खरीदा है, ये बॉया का माइक है। इसके अलावा मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट यूट्यूब में नहीं किया। मैंने सिर्फ यह 900 रुपये का माइक खरीदा था, उसके अलावा मैंने 1 रुपये भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। मैं इसी से वीडियोज़ बनाता हूँ और इसी से अपलोड भी करता हूँ और एडिट जो मैं करता हूँ वो करता हूँ मैं कभी कभी कैमटेसिया या तो कभी कभी मैं फिल्मोरा पर एडिट करता हूँ। लेकिन जैसा कि अब मेरी YouTube की अर्निंग आना स्टार्ट हो गई है तो मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और थोड़ा अपने ऊपर जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं इस मंथ के लास्ट में ये रूम छोड़ दूंगा और मैं एक दूसरा 2 BHK फ्लैट ले रहा हूँ जिसमें मेरा यूट्यूब का एक सेपरेट रूम होगा और मेरा पर्सनल बेडरूम एक अलग होगा। ये उन नए यूट्यूबर्स के लिए है कि देखिए अगर आप नया यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं तो आप शुरू में ही उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप शुरू में ही उसमें अपना हज़ारों रुपया मत फंसाइए, क्योंकि आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पहले अपना कंटेंट जो है कंटेंट की क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी, फिर आप वीडियो क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। जब आपको लगे कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपके जो भी आप वीडियो में दिखा रहे हैं लोग उसका अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तब जाकर आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तब जाकर आपको लगना चाहिए कि हाँ अब आपकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए, अब आपके वीडियो की क्वालिटी है और कंटेंट जो है उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए, तब आप उसको आप इम्प्रूव कीजिए। एकदम से ही अपने यूट्यूब में ना तो ट्राइपॉड में पैसा फंसाइए, ना तो आप DSLR में पैसा फंसाइए, ना तो आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदिए। दुनिया भर के सॉफ्टवेयर आपको यूट्यूब पर और गूगल पर मिल जाएंगे जो लोग बताते हैं कि आपको कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे क्रैक करना है, वो आपको सारी फैसिलिटीज़ यूट्यूब पर और गूगल पर मिल जाती हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको फालतू पैसा इन्वेस्ट करने की शुरुआत में ही। अगर आप अच्छे फेमस हो जाते हैं, आपके चैनल पर 50,000 से ज़्यादा या 20,000 से ज़्यादा या लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तब जाकर आप कहीं सोच सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप एक नए यूट्यूबर्स हैं और आपके पास इतना पैसा नहीं है तो मेरी एक ही सलाह है, आप इन्वेस्ट मत कीजिए, आप अपने केवल कंटेंट पर ध्यान दीजिए, रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कीजिए और जब आपको लगे कि अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अब आपकी यूट्यूब की अर्निंग आना शुरू हो गई है, तब जाकर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आई होप कि इस वीडियो में आप जो भी यूट्यूबर्स हैं उनको बहुत मदद मिली होगी, उन्हें पता लगा होगा कि किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है और किस तरह से वीडियो शूट करना है। देखिए हम इंडियंस हैं, हम जुगाड़ लगाकर मामला सेट कर लेते हैं, तो आप भी कोई जुगाड़ सेट कीजिए, पैसा फंसाने की जगह जुगाड़ सेट कीजिए, आपका वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होगी और जब आपको लगे इन्वेस्ट करना चाहिए तब आप इन्वेस्ट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम्।